को मानना है। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ग्राम परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 12 फरवरी से सहजनवा विधानसभा से शुरू होगा, जिसके मुख्य अतिथि सदर सांसद दविकिशन शुक्ला व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह शामिल होंगे। उक्त जानकारी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। यात्रा के संदर्भ में प्रेस वार्ता हम करने आए हैं और सबका साथ सबका विकास के मजबूत इरादे में सत्ता में आई हमारी भाजपा सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश की जनता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं और हर बार पक्ष में खड़े अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित किया है। भाजपा के लिए सबसे वंचित और पिछड़े व्यक्ति तक पहुँचे हैं सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, एक संकल्प है। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत जैसी अनेक योजनाएं इस बात की साक्षी है कि मोदी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत को समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि देश में 4 प्रमुख वर्ग हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, और इन वर्गों का विकास ही समग्र राष्ट्र के विकास का आधार है। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को केंद्र में रखने वाली कई नीतियों और योजनाओं को लागू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रायः कहते हैं कि आने वाले 20 से 25 वर्ष भारत के विकास की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2047 में शताब्दी वर्ष में पूरी होगी। कार्यक्रम क्या आपका कार्यक्रम है? ग्राम परिक्रमा जो गांवों में हम लोग को जाना है, हर लाभार्थी के घर तक पहुंचना है, सरकार की योजनाओं को बताना है।